2019 लोकसभा चुनाव के बाद किसे प्रधानमंत्री होना चाहिए, ये कहना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि बीजेपी ही इस बार सत्ता में आ रहा है या आने वाला है या आ चुका है। अगर बीजेपी जीतते हैं तो प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी। लेकिन मेरा मानना यह है, कोई भी पार्टी जीते फिर भी नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी जैसा कोई इंसान प्रधानमंत्री पद के लिए बेस्ट रहेगा। क्यों? मैं आज आपको कुछ ऐसे बातें बताने वाला हूँ जिसे आप सुनकर ये जरूर कहेंगे नरेंद्र मोदी जी को ही नेक्स्ट प्रधानमंत्री फिर से बनना है। तो जुड़े रहिए रहस्य लाइव में मेरे साथ और मैं आज आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ऐसा काम किया है या ज्यादातर ऐसे काम किए हैं जो आज तक या अब तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सके हैं, जो मोदी राज में पहले बार के लिए हुआ है। हाँ, साथ में ये भी चीज है जो कि इससे पहले भी हो चुका है। सबसे पहले बात जो आता है वो है इंडियन सिक्योरिटी और टेररिज्म एक्टिविटी। नरेंद्र मोदी जी ने टेररिज्म का सामना ऐसे किए थे जिससे कि दुश्मन के पैरों तले जमीन फिसल जाए, और हुआ भी ऐसा। पुलवामा अटैक के बाद रिप्लाई में भारतीय सेना भी हमला किया था। उरी हमले के बाद भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था पाकिस्तान में, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं उनका डिसीजन लेना। नरेंद्र मोदी जी सबके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि बीजेपी ऐसे एक पार्टी है जो कि सबके राय और ज्यादा मत के ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ऐसे डिसीजन लिए थे जो कि हमेशा भारत के हित में गए थे, और ऐसा प्रधानमंत्री अब तक भारत में नहीं आया था जो कि किसी भी देश के अगेंस्ट में जाकर या फिर भारत के हित के लिए खुद से एक कड़ी डिसीजन लिया जाए। इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे योजना जो कि भारत के लिए बहुत फायदेमंद था। जैसे सबसे पहले आते हैं स्वच्छ भारत अभियान। भारत के बहुत सारे सिटीज और सभी जगह को स्वच्छ बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आने के बाद ही और पीएम बनने के बाद ही ये शुरू कर दिए थे, और इनका आउटपुट अभी तक आप बहुत जगह देख पाए हैं। इसके बाद आता है स्मार्ट सिटी। भारत में 100 से ज्यादा सिटी को उन्होंने स्मार्ट सिटी में तब्दील कर दिया है। अभी हर जगह जाएंगे तो आपको वाईफाई में इंटरनेट मिलेगा। कम्युनिकेशन का बहुत ही सुविधा होता है ये सब सिटी में। बुलेट ट्रेन को इंट्रोड्यूस करना। बुलेट ट्रेन भारत के लिए एक सपने जैसा है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जहाँ पर सभी जगह पर बुलेट ट्रेन चल रहा है, लेकिन इंडिया बहुत ही पीछे पड़े हुए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ऐसा कदापि नहीं चाहते हैं और जापान के साथ हाथ मिलाकर बुलेट ट्रेन इंडिया पे ला रहे हैं। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को फॉरवर्ड करने के लिए पहली दफा 100 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है जिसमें वो लोग फॉरवर्ड हो सके। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे जॉब क्रिएट किए। साथ में ये कंपनी भारत में आने के बाद बहुत पैसा खर्च भी कर रहा है जो कि भारत के लिए बहुत लाभदायक है। किसानों के लिए भी बहुत सारे योजना दिए हैं नरेंद्र मोदी जी ने। गरीबों के लिए जनधन योजना स्टार्ट किए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी स्टार्ट किए हैं नरेंद्र मोदी जी ने। संसद आदर्श ग्राम योजना भी चालू किए हैं नरेंद्र मोदी जी ने। इसके अलावा विदेश नीति मोदी जी के इतने अच्छे हैं जिसके दौरान दुनिया के लगभग हर देश भारत को अभी सराहना करते हैं और भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए एक पैर पे खड़े हैं। बस ट्रेन फ्लाइट सब जगह कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया है। प्लेन का फेयर बहुत डाउन पे चला आया है। हाँ, ट्रेन का फेयर में इजाफा हुआ है, लेकिन ट्रेन में वैसा ही सर्विस दिया जा रहा है। अभी GST शुरू किया गया है। पाकिस्तान जैसे देशों में बहुत पहले से था ये GST, अब इंडिया में भी आ चुका है। नोटबंदी के बाद अभी सब पैसा भारत सरकार के निगरानी में है। ये सरकार डिजिटलाइजेशन में इतना अच्छा काम किया है कि क्या बताएं। सभी जगह इंटरनेट से जोड़ दिया गया है ताकि काम की सुविधा और तुरंत कोई भी काम हो जाए। 4 करोड़ के ऊपर घरों में बिजली दिया गया है। वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट से लेकर आधार कार्ड तक सभी नया स्टेप है इंडिया के लिए। इतने सब काम के बाद भी आप क्या नहीं चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बने फिर से? दोस्तों, आप क्या चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके कमेंट का।